ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन 10 साल से है, और जब मैंने ये गाड़ी ली थी लेफ्ट हैंड की और बहुत कंडम कंडीशन में थी, तो मैं मिलिट्री में यूज़ हुई थी, तो ये कनेक्टिविटी रहती थी एम्बुलेंस के लिए। जब भी मैं इसको लेकर जाता हूँ गाड़ी के आसपास भीड़ लग जाती है, लोग फोटो खींचते हैं। मैं इससे मुंबई जा चुका हूँ, मैं इससे फिरोजाबाद जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, अभी कुछ जा चुका हूँ, इसको सेल कर रहा हूँ। तो भाई क्या डिमांड है आपकी, आस्किंग प्राइस क्या है इसकी? आप ये होल्डर देख रहे हैं, ये चार्जेबल केबल का होता है। सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज अपने सामने खड़ी है काइजर M38A1 जो कि 71 का मॉडल है, और आज अपन इसी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। और ये बेसिकली गाड़ी बिलोंग करती है, हमारे साथ इसके ओनर हैं अख्तर भाई। तो वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं आप भाई? तो आप इस गाड़ी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने कब परचेज करी, इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इस गाड़ी को आप कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाता है मंथली इस गाड़ी का? ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन 10 साल से है, और जब मैंने ये गाड़ी ली थी लेफ्ट हैंड की और बहुत कंडम कंडीशन में थी, तो मैंने इसको एक बार नॉर्मली कंडीशन में इसको बनाया, इंजन वगैरह इसका कंप्लीट किया मैंने, और ये पहले नॉर्मल जैसे महिंद्रा की जीपे होती है ना, इस तरीके से मैंने इसे रख रखा था। फिर बात कर दिया था मैंने इस गाड़ी को, और काफ़ी लोगों ने मुझे टोका कि यार इतनी अच्छी और इतनी रेयर कंडीशन में गाड़ी है आपके पास, आपने साला इसको महिंद्रा की 540-550 की तरह रख रखा है। हाँ तो भाई, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं आज के टाइम पे, और इंडिया में तो देखने में बहुत ही रेयरली देखने को मिलती हैं, भोपाल में स्पेसिफिकली ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। और एक बेवकूफ़ी और करी मैंने, ये लेफ्ट हैंड थी, मैंने इसे राइट हैंड करा दिया। हाँ भाई, वो उस टाइम पे नॉलेज होती नहीं है और पता नहीं था कि फ्यूचर में इस गाड़ी के इतना स्पेशल हो जाएंगी ये गाड़ियाँ आगे चल के, और इतनी वैल्यूएबल हो जाएंगी। तो भाई इसके अंदर अभी फिलहाल कौन सा इंजन चढ़ा हुआ है? मैंने जापानीज इंजन डलवाया है, इसी टू जीवन 2.4 cc इंजन है, और 5 फॉरवर्ड 4 व्हील है। और भाई सामने से कंडीशन देख सकते हैं आप, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन में इसको रख रखा है। तो भाई अभी आपने रिसेंटली इसको रिस्टोर करवाई है? हाँ, पूरी रिस्टोर कराई है मैंने, वापस से इसको जैसी थी ये वैसी करवा ली है ओरिजिनल शेप। तो भाई ये जो थी ये बेसिकली फर्स्ट ऐसी जीप थी जिसके अंदर राउंडेड फेंडर्स आए थे, और ये जो गाड़ी थी ये बेसिकली 24 वोल्ट के अंदर आती थी। और भाई अभी आपने तो इसके अंदर चेंजिंग करवा दी होगी, तो अभी तो ये 24 वोल्ट रही नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो सब हटा दिया, क्योंकि मशीनरी एक्चुअल में आप समझो ना, विंटेज गाड़ियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत मेंटेनेंस और उसके जो पार्ट्स होते हैं ओल्ड पार्ट्स की, उसकी दिक्कत आती है। तो मेरी गाड़ी की रनिंग अच्छी है, मैं चलाता हूँ, तो इसलिए मैंने सब मशीनरीज की चेंज करवा रखी है, और सब न्यू शेप में है पूरा का पूरा जी। और भाई ये एक चीज़ बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो यहाँ पे चीज़ है ये क्या है, ऊपर जो बॉक्स है ये किस चीज़ का बॉक्स है? ये बैटरी के लिए होता है बेसिकली, ये बैटरी इसमें जो 24 वोल्ट की आती थी जी, तो लोग उसमें बैटरी रखते थे, एक तरफ उसमें जरी चेन भी रखते थे, कुछ पार्ट्स वगैरह रखते थे गाड़ी के, तो इसलिए वो कैबिट बनाया उन्होंने। और बेसिकली जो आप ये होल्डर देख रहे हैं ये चार्जेबल केबल का होता है, कि रात में कभी नाइट स्टे वगैरह होता है इसकी वजह से होल्डर क्लिप लगाकर कुछ चीज़ें चलाना होती है, लाइटिंग करना होती है, इसके लिए ये होल्डर होता है। और ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली शॉर्ट व्हील बेस में आती थी, और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते थे, 10 टोटल इसके वेरिएंट्स आते थे M38A1 के। इसका कैनेडियन वेरिएंट अलग था और कोरियन वेरिएंट अलग था, बहुत से चेंजेस होते थे इसके अंदर। रिकॉयलेस राइफल आती थी जो कि तोप बोलते हैं, जो कि पीछे लगती थी इस गाड़ी के अंदर, और लेफ्ट हैंड में ही आती थी ये। भाई ने राइट हैंड में इसका कन्वर्जन करवा के रखा हुआ है, और यहाँ पे आप अगर इसके गेजेस देखेंगे तो ये जो है ये कन्वर्टेड है ना भाई, क्योंकि जो ओरिजिनल गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर लाइट्स नहीं रहती थी, और उसके अंदर एक स्पेशल फीचर ये रहता था कि रात के टाइम पे उसके जो मीटर्स रहते थे वो लाल हो जाते थे, तो जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स रहते थे, ट्रूपर्स रहते थे, वो इस गाड़ी को ईजिली जो ऑयल प्रेशर वगैरह गेज रहते हैं, स्पीडोमीटर रहता है, उसको वो ईजिली देख पाते थे। और लेफ्ट हैंड से इसको राइट हैंड में भाई ने कन्वर्ट करवा रखा है, और इसके अंदर जो उस टाइम पे वैक्यूम वाइपर्स आते थे जिसकी जो लाइन है वो भाई ने यहाँ पे राइट हैंड में करवा दी है, वरना लेफ्ट हैंड में दी जाता था पूरा। यहाँ से एक वैक्यूम लाइन आती थी जो कि ऊपर कनेक्ट होती थी, और मैनुअली और वैक्यूम से दोनों से ही इसके वाइपर्स ऑपरेट हो पाते थे। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड ही दिया जाता था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे तो ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी जाती थी इस गाड़ी के अंदर, जो कि अब भाई आपको उठा के दिखा सकते हैं। तो ये रहता है यहाँ से, ये इसको ओपन अप कर सकते हैं। तो बहुत से और इन गाड़ी के अंदर एक मेन चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे अगर आप रबर ना लगवाएं तो बारिशों के टाइम अगर आप बाहर खुली गाड़ी रखेंगे तो उसके अंदर पानी भर जाता है, जिससे जंग लगने की दिक्कत हो सकती है।
और यहाँ पे इंडेंट्स दिए रहते हैं क्योंकि ये जो सॉफ्ट टॉप है वो आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं इसको लूज़ करके और यहाँ लगा सकते हैं, तो गाड़ी में सॉफ्ट टॉप चढ़ जाता है ऊपर। और पीछे जो यहाँ पे है रिकॉयलेस राइफ़ल लगाई जाती थी उस टाइम पे। और अगर रेयर व्यू दिखाएं इस गाड़ी का तो कुछ ऐसा दिखता है। रेयर व्यू में भी बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है M38A1 के कि इसके अंदर कभी टेल गेट आता है कभी बिल्कुल फ्लैट रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये इसका ट्रॉली कनेक्टर है, नीचे आपको इसके आप ब्लैकआउट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। अख्तर भाई ये आपको पता है इसके बारे में कि क्या इसका यूज़ करा जाता था? ये भी ट्रॉली जो पीछे गाड़ी के अंदर लगती है ना, इसके पीछे जो गाड़ी लगती है, बेसिकली ये जो गाड़ी सिविल में जब आई इससे पहले जब वो मिलिट्री में यूज़ हुई थी तो ये कनेक्टिविटी रहती थी एम्बुलेंस के लिए। अच्छा। पीछे लाया गाड़ी लगती है उसमें ट्रॉली, उसकी कनेक्टिविटी में उसकी ब्रेक लाइट होल्डर और बैक रिवर्स और इंडिकेटर के उसमें यूज़ में आती है। और ये काफ़ी चीज़ों में ये चलता है इसका जनरेटर फॉर्म के अंदर में भी। हाँ एक्चुअली भाई ये जो देख रहे हैं ट्रॉली कनेक्टर, हाँ ये ट्रॉली जो आती थी उसमें लगता था क्योंकि उस टाइम पे ब्लैकआउट लाइट्स दी जाती थी, तो ट्रॉली में सेम ऐसे ही यहाँ पे ब्लैकआउट लाइट्स लगा दी जाती थी उसके अंदर। तो अगर सपोज़ कि सामने जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता था तो पीछे भी ट्रॉली में लाइट्स चल जाती, तो बेसिकली उसके लिए दिया जाता था ये कनेक्टर। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बम्पर गार्ड्स बोलते हैं, ये स्पेसिफिकली मिलिट्री जीप्स के लिए दिया गया था क्योंकि अगर सडनली यू टर्न लेता हो पीछे ट्रॉली लगी हो तो ट्रॉली जो रहती है वो बॉडी को रेयर में डैमेज कर सकती थी, इसलिए ये दिया जाता था। बाकी यहाँ पर आपको हुक्स टो हुक देखने को मिल जाता है और देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन रख के रखा है भाई ने। और इसके अगर सस्पेंशंस की बात करें तो ये बेसिकली आपको लीफ स्प्रिंग्स में ही दिए जाते थे और इसके अंदर डायना का ट्रांसफ़र केस आता था जो कि पूरा वाटरप्रूफ रहती थी। अख्तर भाई आप जानते हैं इस गाड़ी को पूरा डुबा दिया जाता था तब भी ये गाड़ी ऑन रहती थी। मैंने जैसे आपने बताया ना इसमें 6-7 वेरिएंट आते थे जी, तो ऐसे अलग अलग वेरिएंट इस गाड़ी के, तो M38 के 10 वेरिएंट थे टोटल। और इसका एक बहुत ही यूनिक वेरिएंट था जो कि सिर्फ एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स के लिए दिया गया था और जिसके अंदर पूरा हार्ड टॉप में आती थी गाड़ी। और उसका स्पेशल फीचर ये रहता था कि उसके अंदर 4x4 नहीं दिया था, वो टू व्हील पे ही चलती थी वो गाड़ी, तो ये बहुत एक रेयर फीचर था उस गाड़ी का इस टाइम पे। और ये जो है साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका एंटीना है क्योंकि उस टाइम पे वायरलेस कनेक्शन करा जाता था, ट्रूपर्स आपस में एसी के थ्रू बात कर पाते थे। और ये जो है ये इसका फ्यूल टैंक है, इसके अंदर आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती थी। बहुत ही ये बोल सकते हैं इसके अंदर बहुत ही बारीकियाँ दी जाती थी उस टाइम पे। और अख्तर भाई अभी आपका कुछ प्लान है इस गाड़ी को सेल करने का, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स बोलते हैं कि भाई अवेलेबल है सेल के लिए या नहीं? हाँ अभी मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो भाई क्या डिमांड है आपकी, आस्किंग प्राइस क्या है इसकी? मैंने इसकी रखी हुई है 11 लाख रुपए। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप इसको बेचना चाहेंगे? 2026 तक वैलिड है ये, पेपर्स पूरे अप टू डेट है इसके, तो नाम रजिस्टर्ड है गाड़ी। अच्छा, तो भाई जो भी व्यूवर्स देख रहा हूँ तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो मैं अख्तर भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अख्तर भाई अब इस गाड़ी का इंजन दिखाएंगे आपको। सो ये इंजन है इस गाड़ी का इसुजु G1, ये डेली ड्रिवन के हिसाब से अख्तर भाई ने इसके अंदर ये लगा के रखा है। बाकी आप चाहें तो ओरिजिनल इंजन पर भी अगर आपके पास लिंक हो तो आप इसको लगवा सकते हैं। बाकी बहुत ही नीट एंड क्लीन, कहीं भी आपको रस्ट देखने को नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर गाड़ी के। तो बहुत ही संभाल कर रखा है अख्तर भाई ने इस गाड़ी को। और ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको शॉवल रखने के लिए स्पेस दिया जाता था जो कि आप वहाँ पे प्लेस कर सकते थे हुकअप करके। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है अगर आप लेना चाहें तो। और अभी हम आपको इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस दिखाएंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल और दमदार इंजन है ये, इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं आप इस गाड़ी को। 4x4 के साथ आती है गाड़ी, यहाँ पे आपको 4x4 का लीवर आप देख पा रहा हूँ। और जीप में घूमने का एक मज़ा है और एक क्रेज़ ही अलग है और एक अलग सा फील आता है अगर आप जीप में राइड पे जाते हैं तो, और स्पेशली ओपन जीप की तो बात ही अलग है। अख्तर भाई इसकी राइड क्वालिटी पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है मेरी, मेरे को इतनी पसंद है और से मुंबई जा चुका हूँ, मैं इससे फिरोजाबाद जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, कभी कुछ नगर जा चुका हूँ। वन एंड ड्राइव है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे गाड़ी खोल के ये
इंजन ऑयल चेक करना हो या रेडिएटर में पानी डालना हो। मतलब अभी बीच में ऐसा कभी कुछ खराबी आई हो? कभी नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, 10-11 साल से मेरे पास गाड़ी है, अगर इसका डीजल भी कभी खत्म होता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंप तक तो जरूर पहुंच जाता हूँ। और पीछे वैसे भी जेरी कैन दी रहती है तो आप उसके अंदर भी? अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ मैं, अगर खत्म भी होता ना तब भी मैं पंप तक पहुंच जाता हूँ। और भाई एवरेज क्या देता होगा ये इंजन? तकरीबन 14-15 के आसपास आता है भाई। बहुत अच्छा है भाई, आज के टाइम पे कहाँ 10-12 मिलता, वहाँ ये 14-15 निकाल रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत यानी एवरेज इसका इतना अच्छा है, आप सोचो मैं डेली बेस पे गाड़ी यूज करता हूँ जी। भाई मतलब ये चलाने के ऊपर है जो कि आपने इस गाड़ी को इतना वेल मेंटेन करके रखा है, वरना और कोई इतनी गाड़ियाँ एवरेज नहीं निकाल पाती। मेंटेन इसलिए है, ये भी कह सकते हो कि हाँ वन इन ड्राइव है, मैं अकेले पर्सन चलाता हूँ गाड़ी को, और कभी भी कोई मुझे इशू लगता है तो मैं तुरंत उसको ठीक कराता हूँ। ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि अगर एट अ टाइम कुछ काम हो तो उसी टाइम करवा लें, तो एक बेनिफिट रहता है कि लॉन्ग ड्राइव पे कभी आप जाएं तो कोई परेशानी नहीं आती। फिर आप देखिए कि जीप 71 मॉडल, और आप गाड़ी की स्पीड में भी आप गाड़ी का लैंडिंग देख सकते हैं, ज़्यादातर जीपों के अंदर पब्लिक की शिकायत होती है जी, ये बहुत देखा है। थोड़ा सा अजीब हो गाड़ी की इसकी गाड़ी इधर उधर होती है जी, स्ट्रेट बैलेंसिंग है गाड़ी का और कोई पब्लिक नहीं है गाड़ी के अंदर। ये तो भाई इसका क्रेडिट आपको ही जाता है क्योंकि आपने इतना वेल मेंटेन करके रखा है गाड़ी को। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल सीधा स्टेयरिंग है, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही है एक तो। और लोग भाई पलट पलट कर देखते होंगे इस गाड़ी को। जब भी मैं इसको लेकर जाता हूँ गाड़ी के आसपास भीड़ लग जाती है, लोग फोटो खींचते हैं। जब मुंबई का एक्सपीरियंस हुआ था, हम लोग जहाँ से भी निकलते थे गाड़ी बस लोग यही कहते सर हमें एक फोटो ले लें, प्लीज़ हमें एक फोटो खींच लीजिए। क्योंकि भाई बाहर जीप्स तो बहुत ही रेयर हैं, वहाँ पे जिप्सियाँ ही दिखती हैं, या सीजे तरीबी या महिंद्रा की कोई सी जीप दिख जाए, ये तो बहुत रेयर है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।